राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। धनवान बनने के लिए धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही धन बचाना भी आवश्यक है, लेकिन कई बार आप चाहने के बावजूद धन बचा कर नहीं रख पाते। अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आकर बजट बिगाड़ देते हैं। दरअसल घर में रखा हुआ ऐसा सामान जो पिछले कई वर्षों से सिर्फ रखा हुआ है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। इसलिए घर में किसी भी प्रकार की बंद पड़ी घड़ी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि न रखें। ये बंद पड़ी चीजें आपकी तरक्की में रुकावट तो पैदा करती ही हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चों को भी बढ़ा देती हैं। घर में अनावश्यक पड़ा बेकार सामान, कबाड़, टूटा फूटा फर्नीचर, मकड़ी के जाले भी नेगेटिविटी बढ़ाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने से रोकते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाने से अचानक आने वाले खर्चों में कमी आती है और बचत कोष बढ़ने लगता है। धन में वृद्धि और बचत के लिए आवश्यक है कि आपकी धन वाली अलमारी दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखी जाए कि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, यानी अलमारी साउथ वॉल पर हो ताकि वो नॉर्थ में खुले। अगर ऐसा संभव न हो तो अलमारी को पश्चिमी या वेस्ट वॉल पर रखें ताकि वो पूर्व दिशा यानी ईस्ट में खुले। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा में अलमारी का खुलना सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए जहां तक हो अपने हर रोज के वॉलेट, पर्स, छुटपुट ज्वेलरी आदि को आप इसी प्रकार रखें। वास्तु नियमों के अनुसार नल से पानी का बेवजह टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत माना गया है, इसलिए नल में खराबी आ जाने पर उसे तुरंत बदलवा दें। धन के ठहराव के लिए आटा पिसवाने से पहले गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के तथा 2 दाने केसर के डालकर मिला लें। ये कार्य सोमवार या शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसा स्थायी रूप से संचित होना शुरू हो जाएगा। दरअसल इस तरह आप अपने घर की अन्नपूर्णा देवी को जागृत करते हैं, जिससे आपको पैसे की तंगी की स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ता। धन की वृद्धि के लिए शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो भोजन न करें। इस समय पर सोना व पढ़ना भी हानिकारक होता है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तो गूलर के पेड़ की जड़ को घर पर ले आएं और उसे घर के पूजा स्थल में रख दें। अब इस जड़ को धूप व दीप दिखाएं, फिर जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हो वहां इसे रख दें। गूलर के पेड़ की जड़ को आप किसी तावीज में भरकर धारण भी कर सकते हैं। इस तावीज को धारण करने के बाद जब तक ये तावीज आपके पास रहेगा आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही इस तावीज को धारण करने के बाद आपको संतान सुख और यश की भी प्राप्ति होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।